अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करने वाले हैं मकनपुर के सैयदों के मुतालिक एक बहुत अहम मसले पर। बाज़ लोग कहते हैं कि जब सरकार मदार पाक ने शादी नहीं फरमाई तो फिर उनकी औलादें कहाँ से आईं, मदार पाक का ख़ानदान कहाँ से आया, सैयद लोग कहाँ से आए। और ये बहुत ही अच्छा सवाल है कि जब सरकार मदार पाक ने शादी नहीं फरमाई, और ये हकीकत भी है कि सरकार मदार ने शादी नहीं की। आपने सारी ज़िंदगी दीन फैलाया और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को लोगों को बताया, दीन फैलाया, लेकिन कभी भी आपने शादी नहीं फरमाई। तो फिर जो मकनपुर शरीफ में सैयद लोग मौजूद हैं, सैयद हजरात मौजूद हैं, तो फिर वो किस तरीके से आए? वो मदार पाक की औलाद कहते हैं अपने आप को, तो किस तरीके से कहते हैं जब मदार पाक ने शादी ही नहीं की? तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा लोग इस पर जो है नुमाइयाँ भी करते हैं, तो इसके हकीकत को जानते हैं। हज़रत सरकार मदार पाक रज़ी अल्लाह ताला उनके तीन भाई और थे, और सरकार मदार पाक एक मरतबा हज पर गए तो अपने भाई महमुद्दीन रज़ी अल्लाह ताला उनके तीन बेटों को लेकर के मकनपुर शरीफ में आए थे, जो आपके रिश्ते में भतीजे लगते हैं और पोतों के पोते भी लगते हैं, क्योंकि आपके भतीजे इसलिए लगते हैं क्योंकि वो आपके भाई के बेटों में से थे। तो आप जब वहाँ गए थे तो वहाँ से लेकर के उनको हिंदुस्तान आए थे और मकनपुर शरीफ में आए थे और उनको मकनपुर शरीफ में छोड़ा था। फिर उन्होंने शादी फरमाई। उन तीनों की औलादों में से आज मकनपुर शरीफ में बहुत ज़्यादा जो सैयद लोग मौजूद हैं वो उन्हीं के औलादों में से हैं। उनमें से एक का नाम हज़रत अबू मोहम्मद अरगुन रज़ी अल्लाह तआला और दूसरे हज़रत सैयद तैफूर रज़ी अल्लाह तआला और तीसरे हज़रत फंसूर रज़ी अल्लाह तआला। ये तीन हैं सरकार मदार पाक के भतीजे जिन्होंने शादी फरमाई थी, जिनकी औलादें आज मकनपुर शरीफ में मौजूद हैं। ये मदार पाक के भाई के बच्चों में से हैं, और मदार पाक भी चूँकि मदार पाक ने शादी नहीं फरमाई लेकिन आपके जो भाई थे उन लोगों ने शादी की थी, और आपके भतीजों ने भी शादी की थी, जिनके औलादों में से आज मकनपुर में सरकार मदार पाक का ख़ानदान मौजूद है। मदार पाक की जो औलादों के औलादें मौजूद हैं, जो लोग कहते हैं कि हम मदार पाक के ख़ानदान के हैं, मदार पाक की औलाद में से हैं, तो वो इसी तरीके से हैं कि मदार पाक के जो भाई थे महमुद्दीन रज़ी अल्लाह तआला उनकी औलादों में से हैं, तो मदार पाक की औलाद ही हुए वो लोग। और दूसरी चीज़ ये कि जो लोग इस बात पर गुस्तुमाई करते हैं, शक करते हैं कि जो सैयद नहीं है वो लोग, या सैयद है तो किस तरीके से हैं, मदार पाक की औलाद तो है नहीं, लेकिन मदार पाक की अगर औलाद नहीं है तो उनके भाई की औलाद हैं, सैयद हैं, आले नबी हैं, हसनी हुसैनी।